देश की जनमानस बढ़ती महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया गया, जिस तरीके से महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है, अग्निवीर योजना, युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली योजना, इन तमाम जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश व्यापी हल्ला बोली है, उसको लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, किस तरीके से तानाशाही के बल पर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, पुलिस के दम पे, उनके लाठियों के दम पे हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज हम महंगाई को लेकर पूरे देश में हल्ला बोले हैं, जगह जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के खिलाफ, अंगीर के खिलाफ आवाज उठाए हैं। देखिए किस तरीके से हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। विवेकानंद पाठक, प्रदेश। देखिए लगातार बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत वर्ष में विरोध प्रदर्शन था, जिसके बाद आज इलाहाबाद कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, गांधी प्रतिमा के बगल में नेहरू प्रतिमा, हम लोग का आदर्श को आज वहां पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च कचहरी तक कर रहे थे, जिसमें बलपूर्वक योगी और मोदी की पुलिस ने हम लोगों से झड़प की, मारपीट की, जिसमें हमारे एक ही कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ टूटा हुआ है। साथियों अब समय आ गया है जनता को आवाज बनने का। हम जनता से अपील कर रहे हैं, एक बार देश पुनः एक बार देश गोरों से छूटकर इन चोरों के हाथों में जा रहा है तो अपनी लड़ाई लेकर आ पाए। अब हम लोग की गिरफ्तारी में लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तानाशाही सरकार असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, निशान रस्ते होगी। अब Hop!
गाड़ियाँ जाने दीजिए, थोड़ा पागल हो जाएगी। कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको निमानसर उनको अभी प्रिजन वन में बैठा के यहाँ से ले जाया गया है, बाकी निमानसर आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? लगभग 15-20 लोग थे। थैंक यू।